यहाँ पर आगे एक सवाल है मनीष जी का, और ये जानना चाहते हैं वेलिएंट ऑर्गेनिक के बारे में, और थोड़ा और भी डिटेल इन्होंने दिया है। वेलिएंट ऑर्गेनिक इन्होंने खरीद रखा है 535 पर, 100 शेयर हैं इनके पास, 4 से 6 महीने का नजरिया है। आपने 535 पे खरीदा हुआ है, तो आप एक काम करिए, अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस बना दीजिए और छोड़ दीजिए। मर्जी हो तो 5-1 रुपये और नीचे रिस्क ले लीजिए और छोड़ दीजिए, बिकॉज हो जी सकता है कि इसमें नया लीज ऑफ लाइफ आ रहा है और इसमें थोड़ा बहुत आपको ऊपर 100 रुपये तक मिलेगा, 100 से ज़्यादा भी मिल सकता है। बाइंग पैटर्न ठीक दिख रहा है, तो दो आपके पास रास्ते हैं। एक तो आप 530 के आसपास स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, तब तो आपको जो 460 का बॉटम है वहीं पे रिस्क रखना चाहिए, बिकॉज तो बहुत समय के बाद ये हायर लो का इतना अच्छा पैटर्न बन रहा है और ये सस्टेन हो जाए तो अच्छी बात है। जी तो वापस इसमें कटोरी जैसा कुछ दिख सकता है, या अभी वो सब बहुत दूर की चीजें हैं? बहुत दूर की बात है, अभी पहले थोड़ा ये ऊपर तो मिलता है, लेकिन फीलर्स अच्छे हैं, ये कह सकता हूँ फीलर्स अच्छे हैं, जी बाकी इनको परफॉर्म करने दीजिए जो तो 4 से 6 महीने अभी। का इनका नजरिया है। ऊपर कितना पैसा मिल जाए तो इन्हें संतोष कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे अभी देख के तो यही लगता है कि अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा होता भी है तो भी फिलहाल 700 से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन जी पॉसिबिलिटी होती है, अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो इनसे पॉसिबिलिटी रहती है कि जो नेक्स्ट लेवल है वो 865 का जो स्विंग है वहां तक जाने के चांसेस रहते हैं। बट ये प्योरली डिपेंड करता है कि आपको ये रिजल्ट देता है कि नहीं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो स्विंग हो सकता है कि नीचे वाले स्विंग पे ही खत्म, 730 वाले जी स्विंग। चलिए तो यहाँ पर केमिकल कंपनी है, कोई बहुत बड़ी मार्केट कैप नहीं है, 1600 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है इनकी। और अगर आप वैल्यूएशन देखें तो कोई बहुत भागा हुआ वैल्यूएशन भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि टाटा केमिकल से ऐसा वैल्यूएशन हो, लेकिन अपने सेक्टर की बहुत सारी कंपनियों से तो वैल्यूएशन इसका ठीक ठाक लग रहा है। और जहाँ तक मसला है मुनाफे के बढ़ने का, तो आज पता नहीं क्यों बहुत सारे नाम ऐसे ही मिल रहे हैं जो एक रेंज के अंदर पिछले तमाम तिमाहियों से अटके हुए हैं। ये संयोग है सोमेश, या कुछ इसमें आप कोई बड़ा मैक्रो फैक्टर भी देख रहे हैं? तो बस पिछले 2 महीने से अटक रहा हूँ, आज सुबह में भी शुरुआत में भी बोला, स्मॉल कैप मिड कैप का दिन आने वाला है। तो इसमें क्या है, थोड़े अच्छे चलते हैं तो अच्छे के साथ बुरे भी चलते हैं, तो ये सब रेंज से निकल के आ रहे हैं इसी कारण से कि इनका टाइम आ रहा है। तो इनका मेन कुछ अच्छे फंडामेंटल्स वाले आएंगे, उनके साथ नॉट सो गुड फंडामेंटल्स वाले भी चल जाएंगे।